ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिका में ट्रंप की कैबिनेट पे हिंदू नेताओं की भी एंट्री हो रही है, तो ट्रंप की टीम में कौन कौन हिंदुओं को किया गया है शामिल, पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तैयार हो गई ट्रंप की नई फौज, ट्रंप की टीम हिंदू में कौन कौन, तुलसी कबाड़, विवेक रामास्वामी को बड़ी जिम्मेदारी, अमेरिका में ट्रंप की टीम हिंदू। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत के आंकड़े के साथ ऐतिहासिक जीत के बाद से दुनिया भर के नेताओं ने बधाई संदेश भेज रहे हैं। वही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई बड़ी नियुक्तियां कर रहे हैं। ट्रंप की कैबिनेट में हिंदू नेताओं की भी एंट्री हो रही है। ट्रंप ने तुलसी कबाड़ को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पूर्व कांग्रेस सदस्य तुलसी कबाड़ की पहचान अमेरिका की पहली हिंदू कांग्रेस वुमेन के तौर पर भी है। तुलसी एक अनुभवी सैनिक है और वो विभिन्न मौकों पर मध्यपूर्व और अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में तैनात रही है। वो कुछ समय पहले डेमोक्रेट पार्टी से अलग हो गई थी और चुनाव के वक्त रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी। अमेरिका में जन्मी तुलसी कबाड़ के पिता समोआ और यूरोपीय वंश के हैं। हिंदू धर्म में उनकी रुचि के कारण उन्होंने उनका नाम तुलसी रखा। साल 2019 में तुलसी कबाड़ ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की प्राथमिक बहस में कमला हैरिस को शिकस्त दी, हालांकि वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में पिछड़ गयी। साल 2022 में वो डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई। ट्रंप ने चुनावी बहस में हैरिस को हराने के लिए तुलसी से भी मदद मांगी थी। ट्रंप ने कई बड़े पदों पर नियुक्तियों के बाद करोड़पति उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि मस्क और रामास्वामी सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व करेंगे। विवेक रामास्वामी एक धनी बायोटेक उद्यमी है, भले ही उनके पास किसी तरह का सरकारी अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम किया है और उन्होंने लागत में कटौती पर जोर दिया है। इसके अलावा अब ट्रंप गुजराती मूल के काश पटेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। पहले माना जा रहा था कि वो काश पटेल को CIA प्रमुख बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने करीबी सहयोगी जॉन रेडक्लिफ को CIA हेड के रूप में नामित किया है। अब काश पटेल को FBI में शीर्ष पद मिलने की उम्मीद है। काश पटेल पहले भी ट्रंप के साथ काम कर कई अहम प्रोजेक्ट को पूरा कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप शीर्ष पदों पर अपने सबसे वफादार व्यक्तियों का चयन कर रहे हैं, ताकि वो अपने स्वयं के सहयोगियों के दबाव में कभी भी ना आए, जो कि पहले कार्यकाल के दौरान कई मामलों में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। इससे पहले ट्रंप ने अपनी टीम की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में अपनी सरकार को दौरान अहम पदों की जिम्मेदारियां संभालने वाले लोगों की सूची तक जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की टीम पर चर्चा भी होने लगी है। क्या है ट्रंप का मास डिपोर्टेशन का प्लान? कैसे पूरा होगा ट्रंप का मास डिपोर्टेशन का प्लान? क्या अमेरिका में बदलाव लाने में कामयाब होंगे ट्रंप? अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम अब अपना आकार लेने लगी है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के एक हफ्ते बाद करीब एक दर्जन चेहरों का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान वो अपने सलाहकारों और मंत्रियों की एक नई टीम भी बना रहे हैं। ट्रंप की टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही अलग किस्म की पहचान रखते हैं। इसमें प्रमुख हैं पूर्व डेमोक्रेट और कांग्रेस वुमन रही तुलसी गबार्ड, जिन्हें अमरीकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोशल मीडिया एक्स के CEO एलन मस्क और व्यवसायी व राजनीति के उभरते चेहरे विवेक रामास्वामी को डॉज का नेतृत्व सौंपा गया है।
इन तीनों ने अमेरिका की गुप्त एजेंसियां जैसे CIA, FBI और अन्य अमेरिकी संस्थानों पर तीखे सवाल उठाए हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी नियुक्ति से अमेरिकी सरकार के कामकाज में बड़े बदलाव हो सकते हैं। ट्रंप ने अपनी नई टीम में टेस्ला के CEO एलन मस्क और उद्यमी विवेक रामास्वामी को डॉज का प्रमुख बनाया है। ये विभाग अमेरिकी प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसका मकसद सरकारी नौकरशाही को खत्म करना है। इसके साथ ही अनावश्यक नियमों में कटौती करना, गैर जरूरी खर्चों को खत्म करना और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन पर जोर देना है। मस्क और रामास्वामी को ये जिम्मेदारी मिलने पर अमेरिका में राजनीति से जुड़े लोगों की ओर से विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि मस्क की नई और क्रांतिकारी सोच और रामास्वामी के आर्थिक दृष्टिकोण से प्रशासन में आवश्यक सुधार हो सकते हैं। वही विरोधी मानते हैं कि इस कदम से सरकारी ढांचे में अस्थिरता आ सकती है और कुछ जरूरी सरकारी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। हवाई से पूर्व कांग्रेस सदस्य तुलसी गबार्ड ने हाल ही में डेमोक्रेट से नाता तोड़कर ट्रंप के चुनाव का खुलकर समर्थन किया था। उन्हें अब अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का प्रमुख बनाया गया है। तुलसी गबार्ड अब डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के रूप में 18 खुफिया एजेंसियों के समन्वय का कार्यभार संभालेंगी। गबार्ड लंबे समय से अमरीकी हस्तक्षेपकारी नीतियों की कट्टर आलोचक रही है। उनकी विचारधारा पारंपरिक अमरीकी नीति से काफी अलग मानी जाती है। उन्होंने पहले भी रूस और अन्य अमरीकी प्रतिद्वंदियों के पक्ष में टिप्पणियां की हैं, जिनसे ये संकेत मिलते हैं कि तुलसी खुफिया एजेंसियों के काम को एक नए दृष्टिकोण से देखती हैं। तुलसी की नियुक्ति को लेकर सत्ता से जुड़े लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके समर्थक मानते हैं तुलसी एक निष्पक्ष और संतुलित खुफिया नीति ला सकती हैं, जो अमरीकी हस्तक्षेपकारी छवि को बदल सकती है। चुनाव से पहले 4 नवंबर को एक रैली में ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमरीकी जमीन पर रह रहे हर एक अवैध प्रवासी को हटाने के लिए 1798 के एलियन एनेमी एक्ट को लागू करेंगे। एक बार नहीं बल्कि ट्रंप ने कई बार इस कानून को लागू करने का वादा किया था। ट्रंप का दावा है कि ये कानून उनके अधिकारियों को जबरदस्त अधिकार देगा। ये कानून अमेरिका में बसे सभी संदिग्ध प्रवासियों और ड्रग डीलर्स को खदेड़ने में मदद करेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप की नई टीम सत्ता में आने के बाद अमेरिकी नीतियों में वास्तविक परिवर्तन लाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता में आने के बाद इनकी असली परीक्षा होगी। अमरीकी प्रशासन में गहरी पैठ रखने वाले डीप स्टेट की ताकत इतनी जल्दी कमजोर नहीं होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप की टीम किस हद तक अपने विचारों को लागू कर पाती है। अगर यह टीम अपने सिद्धांतों पर अमल कर सकी तो संभव है कि अमेरिका की विदेश नीतियों में बदलाव आएगा और वह दूसरे देशों में अस्थिरता फैलाने जैसी नीतियों से दूर रहेगा। दूसरी ओर अगर इन नेताओं को भी सत्ता के दबाव के आगे झुकना पड़ा तो अमेरिका का परंपरागत हस्तक्षेपकारी रुख जारी रहेगा।